भीड़ आप देख रहे हैं ये भाड़े में लाए हुए टट्टू है। मैं यहाँ का वोटर हूँ, यहाँ का आवाम हूँ, मैं जानता हूँ। यहाँ का कोई भी वोटर और कार्यकर्ता मुझे नहीं दिखा, ज्यादातर दिखा है 99% बाहर के लोग दिखे। यहाँ पे एक दंगाई को टिकट दिया जाता है, टीएमसी पार्टी जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कहती है। इलेक्शन के पहले तक वॉशिंग मशीन मोदी जी के पास था और इलेक्शन के बाद वही वॉशिंग मशीन ममता मैडम के पास आ गया है। जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात कौम मिल्लत के लोग एक साथ रहते हैं, यहाँ पे एक दंगाई को लेकर गए ताकि आकर ये दंगाई करे। याद रखिएगा, वो 16 साल का इमाम साहब का बच्चा जो शहीद हुआ है उसका खून जाया नहीं जाएगा, ये खून जरूर इनकलाब लाएगा। रोड शो नहीं है, ये जो रोड शो देखा आपने, आप देखिए कि भीड़ भी नहीं है, तादाद भी नहीं है, और जो या जो जो भीड़ आप देख रहे हैं ये भाड़े में लाए हुए टट्टू है, समझे। 200 रुपए दिए हुए लोग आए हुए हैं। मैं यहाँ का वोटर हूँ, यहाँ का आवाम हूँ, मैं जानता हूँ। यहाँ का कोई भी वोटर और कार्यकर्ता मुझे नहीं दिखा, ज्यादातर दिखा है 99% बाहर के लोग दिखे मेरे। बालीगंज कंस्टिट्यूएंसी में जहाँ बहुमत मुसलमानों की है और माइनॉरिटीज की है, यहाँ पे एक दंगाई को टिकट दिया जाता है, टीएमसी पार्टी जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कहती है, और सेकुलर वोट से इन्होंने सत्ता बनाया है इस इलेक्शन में भी, और इस बार लेकर क्या है दंगालों को। मेरा एक और सवाल है, आम जनता जाग रही है और देख रही है कि इलेक्शन के पहले तक वॉशिंग मशीन मोदी जी के पास था और इलेक्शन के बाद वही वॉशिंग मशीन ममता मैडम के पास आ गया है। जो लोग कल तक दंगाई थे आसनसोल में दंगा हुए, और एक बात भूलेगा नहीं लोग के आसनसोल में जो दंगा, सारे मुसलमान उनके साथ है, आप देखिएगा वो मुंह के खाएंगे। इस बार जो इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद रिजल्ट, आप भी यही कलकत्ता में है, मैं भी यहाँ पे हूँ, कोई उनको पसंद नहीं कर रहा है, और जो वोटर है कोई वोटर उनको वोट नहीं दे रहा है यहाँ पे। बाबू सुप्रियो सिर्फ दंगाई नहीं है, वो एक झूठा इंसान भी है, ये बात उन्होंने पिछले हफ्ते भी ये बात कहा था, और ये बात ऑन रिकॉर्ड किसी मीडिया वाले ने, आप जैसे यूट्यूबर मीडिया चैनल ने चलाया है, चला करके दिखाया है, उन्होंने सवाल किया था कि आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता है कि आपने इमाम साहब का 16 साल का लड़का जो शहीद हुआ है उसका वजह आप है, तो बाबुल सुप्रियो ने जवाब दिया था उसका काउंटर ये करके कि अगर मेरा जवाब है तो आप बोलिए इमाम साहब को कुछ मेरे बारे में बोलने। इमाम साहब ने तो वीडियो में पहले ही बोला है, और वो वीडियो आप लोग चल रहा है यूट्यूब में, आप देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी है वहाँ पे। बनर्जी आने के बाद भैया अफसोस की बात यही है कि लोग आकर के अब बोल रहे हैं कि मेरे कैंडिडेट को मत दो, दीदी को वोट दे करके दो, अभिषेक बनर्जी को वोट दे करके दो। तो दीदी का ब्रांडिंग वो नहीं रहा सेकुलर ब्रांडिंग, जो सेकुलर ब्रांडिंग पिछले इलेक्शन के पहले तक था, पिछले इलेक्शन के पहले तक सेकुलर ब्रांडिंग था, जहाँ पे एक सेकुलर लीडर के तौर पे उनको जाना जाता था। आज के डेट में वो सेकुलर लीडर बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या कर रही है, जनता जो है आम जनता पूरे तरीके से होश में आंख खोल करके देख रही है कि बंगाल में पिछले बार जो इलेक्शन हुआ और किस तरह से माइनॉरिटीज को खास करके डर का माहौल बनाया गया कि बीजेपी आ जाएगा, मोदी जी भी आ जाएंगे, और ऑप्शन नहीं था माइनॉरिटीज के लिए, और बंगाल के लोगों ने वन साइडेड, इनफैक्ट दूसरे पार्टी के सपोर्ट करने वाले लोगों ने भी ममता बनर्जी को वोट दिया, दूसरे पार्टीज के लोग, क्यों, क्योंकि बीजेपी आ जाएगा। इस बार ऐसा नहीं है, ये बालीगंज का सिंगल इलेक्शन है, सिंगल सीट का इलेक्शन है, यहाँ बीजेपी नहीं आएगा। और मेरा एक कहने का मतलब है कि रूलिंग पार्टी में ऑलरेडी 213 सीट है, और एक अपोजिशन अगर जाता है तो असेंबली में काम का बात होगा वहां पे, क्यों, क्योंकि किसी भी कंट्री में और किसी भी स्टेट में अगर अपोजिशन नहीं होता है तो वहां डिक्टेटरशिप होता है, तानाशाही होता है, और वहां काम का काम नहीं होता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट भी है आपके मीडिया के माध्यम से बालीगंज कंस्टिट्यूएंसी के वोटर्स को कि आंख खोल के इस बार इलेक्शन करें। इस बार ना तो टीएमसी की सरकार बन रही है इस बालीगंज कंस्टिट्यूएंसी के इलेक्शन से, और ना ही बीजेपी की सरकार आ रही है, तो आप लोग होश खोल करके अपने कैंडिडेट को वोट दे। इलेक्शन असेंबली इलेक्शन जो अभी 2021 का गुजरा है उसमें आपने कवर किया है, एक हफ्ता पहले हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने टीवी पे ऑन रिकॉर्ड बना लिया था कि 200 सीट के साथ हम बंगाल में सत्ता बना लिए। ये झूठ की राजनीति चला रहे हैं, पक्ष और विपक्ष ये लोग सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं, इनको और कुछ काम नहीं है। ये लोग दंगाई को लेकर के हैं पीसफुल एक कंस्टिट्यूएंसी में जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर जात कौम मिल्लत के लोग एक साथ रहते हैं, यहां पे एक दंगाई को लेकर के आए ताकि आकर ये दंगाई करे। याद रखिएगा, वो 16 साल का इमाम साहब का बच्चा जो शहीद हुआ है उसका खून जाया नहीं जाएगा, ये खून जरूर इनकलाब लाएगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, रमजान का महीना है, वोटर्स जाएंगे वोट देंगे, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन वोट जो देंगे वो किसी दंगाई को वोट नहीं देंगे।